वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूं नाम्पतिं वंदे सूर्यससांकवह्निनयनं वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवम शंकरम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। आइए देखते हैं कैसा रहेगा किस राशि वाले का सप्ताह। इस सप्ताह गुरु व केतु धनु में, शनि मकर में, मंगल मेष में और शुक्र कर्क में, राहु मिथुन में तथा बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सप्ताह के प्रथम दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। चंद्रमा सवा दो दिन बाद अपनी राशि बदलते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में जाएंगे। इस प्रकार बहुत महीनों बाद सूर्य व बुध एक साथ बुध की राशि कन्या में होंगे। इसको बुधादित्य योग बोलते हैं। इस सप्ताह वृषभ धनु राशि के जातक प्रत्येक कार्यों में सफल रहेंगे। सिंह व कर्क राशि के छात्र जॉब प्राप्ति में सफलता की प्राप्ति करेंगे और मकर व मीन राशि के लोग व्यवसाय को नई दिशा देंगे। आइए अब जानते हैं इस सप्ताह का विस्तृत राशिफल। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप कभी कभी निराश होकर अपना आत्मबल कम कर लेते हैं। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का प्रस्ताव आपको स्वीकार करना चाहिए। इस सप्ताह गुरुवार के बाद प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पीला रंग बहुत शुभ है, आपको अन्न का दान करना चाहिए। गुरुवार से शनिवार तक धन आगमन के संकेत हैं और प्रतिदिन आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। अब देखते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको व्यवसाय में आपकी स्थिति इस सप्ताह बहुत ही बेहतर होगी। स्वास्थ्य को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं तो इस भी गृह निर्माण संबंधी कोई बड़ा कार्य भी करेंगे। इस सप्ताह मंगलवार के बाद व्यवसाय को और विस्तार मिलेगा। आप भी प्रतिदिन भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार को चावल का दान अवश्य करें और आपको नीला रंग शुभ है। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं बुधवार से शनिवार तक स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही ना करें। यह सप्ताह राजनीतिज्ञों के लिए शुभ अवसर प्रदान करेगा। आपके लिए नीला रंग शुभ रहेगा। अन्नदान करते रहें, गाय को प्रतिदिन गुड़वा रोटी खिलाएं और संतान की प्रगति से आप खुश होंगे। अब आते हैं कर्क राशि के जातक। उनको यह सप्ताह व्यवसाय के लिए है। गुरुवार तक का समय धन की प्राप्ति का समय, जमीन भी कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोग आपकी मदद करेंगे। लाल रंग शुभ है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान अवश्य करें। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनको जॉब में सफलता का समय चल रहा है। बुधवार के बाद जॉब में नवीन उत्तरदायित्व की प्राप्ति हो सकती है। व्यवसाय भी पहले से बेहतर होगा और नारंगी रंग आपका शुभ रंग है। यह सप्ताह कोई रुके कार्यों को पूर्ण कराएगा। हनुमान जी की उपासना करते रहें, प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ भी करें। अब आते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जो जातक हैं तो बुध की कन्या में उपस्थिति व सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा का मिथुन में गोचर शुभ है। आप कई रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर लेंगे। हरा रंग शुभ है और आपको भी प्रतिदिन भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गाय को प्रतिदिन आप पालक अवश्य खिलाएं। यह सप्ताह राजनीतिज्ञों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है। अन्नदान भी करते रहें। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनको रविवार से मंगलवार तक का समय जॉब में सफलता की प्राप्ति का है। अपनी रुकी हुई योजनाओं को शुरू करेंगे। इस बीच धार्मिक कार्य होंगे। नीला रंग आपका शुभ रंग है। प्रतिदिन गाय को भोजन देने से पुण्य की प्राप्ति होगी और श्री सूक्त का पाठ भी करें। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि।
तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कई रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। जॉब में नवीन उत्तरदायित्व के मार्ग बनेंगे। इस सप्ताह भौतिक सुख में भी सफलता है। पीला रंग आपके लिए शुभ रंग है और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। शुक्रवार से शनिवार तक स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको गुरु व केतु इस समय इसी राशि में है। सप्ताह के प्रथम दो दिन राहु व चंद्रमा मिथुन में रहेंगे। व्यवसाय में किसी नए कार्य की आधारशिला रख सकते हैं। जॉब में प्रगति भी करेंगे। योग व ध्यान करते रहें। राजनीति में सफलता मिलेगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनको शनि इस समय इसी राशि में है। शुक्र कर्क व चंद्रमा सप्ताह के आरंभ में मिथुन में है। सप्ताह के प्रथम दो दिन ग्रहों के गोचर लाभ लें। इस सप्ताह आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलेगी। यह वीक व्यवसाय में भी सफलता का दिख रहा है। मिथुन का चंद्रमा दो दिन तक स्किन रोगों के प्रति भी अलर्ट कर रहा है। व्यवसाय को लेकर आय प्राप्ति के नए स्रोत बन सकते हैं। आपका हरा रंग शुभ रंग है। अब आते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको सप्ताह के प्रथम तीन दिन में व्यवसाय में आशातीत सफलता मिलेगी। आपकी ठप पड़ी हुई योजनाएं प्रारंभ होंगी। जॉब को लेकर सफलता के मार्ग में आने से बहुत सी बाधाएं दूर होंगी और आपका नीला रंग बहुत शुभ है। पिता का आशीर्वाद लेते रहें। हनुमान बाहुक का पाठ करें। अब आते हैं लास्ट राशि मीन राशि। इस सप्ताह व्यवसाय में मीन राशि वालों को काफी सफलता मिलेगी। चंद्रमा का मिथुन गोचर दो दिन थोड़ा संघर्ष देगा। व्यवसाय में गुरुवार के बाद सफलता की प्राप्ति करेंगे। लाल रंग आपको शुभ है। इस सप्ताह मंगलवार से गुरुवार तक का समय बेहतर है। भगवान विष्णु जी की उपासना करते रहें। बाकी सब ठीक रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आपके नए भविष्यफल के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मंत्रार्था सफला संतु सफला संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशाय मित्राणाम मुदीयस्तवः।